कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे लास्ट टाइम ये भी पूछा कि सर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दरमियान फर्क क्या है सर। तो मैंने कहा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दरमियान इट्स क्वाइट क्वाइट नॉर्मल डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस बड़ा कोई नहीं है, इट्स वेरी एक्सेप्शनल। ठीक है, मामूली है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है मामूली। नाउ इफ यू सी नाउन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन की जगह पे आ जाना, राइट। प्रोनाउन का मतलब जी प्रोनाउन सर का काम होता है नाउन को रिप्लेस कर देना। ठीक है, लेट से आई सेड, अब ये जो सेंटेंस है आप लोगों के पास आप देख सकते हैं, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, ऑल राइट। ठीक है, अब मैं यहां से दिस निकाल देता हूं, क्या बच गया, बुक इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है जी, जी सर मैंने बुक की जगह दिस को रिप्लेस कर दिया और मैंने बना दिया दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है जी, मेरा सेंटेंस बन गया दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। हाउएवर इफ आई हैव अ लुक एट हियर, बुक इज वेरी एक्सपेंसिव। यहां बुक क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। अब ये जो दिस जो है ये बुक नाउन की जगह यूज हो गया तो ये प्रोनाउन हो गया। बट द क्वेश्चन इज, अगर यही वाला काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, दिस बुक इज वेरी एक्सपेंसिव, अब क्या हो गया हमारा, ये प्रोनाउन तो रहा नहीं क्योंकि प्रोनाउन का काम था नाउन को हटा देना, मगर प्रोनाउन भी है यहाँ पर तो नाउन भी है, तो इस नाउन की मौजूदगी की वजह से ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और सेंटेंस नीचे है, दिस इज माय कार और दिस दिस हैज कंफर्टेबल सीट्स। ठीक है, लेट से एक सेंटेंस है, दिस कार हैज कंफर्टेबल सीट्स, मैंने कर दिया दिस हैज कंफर्टेबल सीट्स, देख लें दिस कार हैज कंफर्टेबल सीट्स। फिर दूसरा मैंने कर लिया दिस हैज कंफर्टेबल सीट्स। नाउ कार को दिस ने रिप्लेस कर दिया, कार हटा दिया, अब मेरा यहां पर कार नहीं है तो अब मैंने दिस लगा दिया, यानी कि दिस यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट यहां नाउन भी है और यहां डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड भी है तो ये एडजेक्टिव होगा। क्लियर? नाउ द अनदर थिंग इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो डिफरेंस है ना, पूछोगे ना, सो डिफरेंस क्या होगा, जिसके साथ नाउन होगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जिसके साथ नाउन नहीं होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? लाइक व्हिच कार लुक्स बेटर या व्हिच लुक्स बेटर, डू यू सी व्हिच लुक्स बेटर, डज इट हैव अ नाउन, है इसमें कोई नाउन? नो सर, नो सर। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हां, वाइस वर्सा, लाइक व्हिच कार लुक्स बेटर, ये क्या होगा, इसमें नाउन है? Yes, yes, sir. Car. Yes, sir. Car है तो ये interrogative adjective हो गया. All right? Is it clear? समझ गए आप? Yes, sir. Any other confusion in interrogative adjective? देखिए बहुत ही आसान है, interrogative adjective या interrogative pronoun. सिर्फ आपने sense ध्यान में ये रखना है, जहां पे interrogative pronoun हो यानी कि वहां पे noun होगा ही नहीं, और जहां पे interrogative word हो, जहां पे demonstrative word हो या interrogative वाला कोई word हो और साथ में noun भी हो तो वो adjective होगा। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम क्या पढ़ते हैं, अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन, अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लाइक लेट से व्हाट डू वी कॉल इट, किसी भी जो अपना किसी शख्स को, किसी खास एक चीज को, या ईच एंड एवरी पर्सन, या बहुत सारे लोगों में से एक एक करके बोला जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। If you have a look at the name of this, if you have a look at, if you observe distributive, distributive का मतलब क्या होता है, तकसीम करना। Let's say each student has to pay fees on time. Example. तो each student यानी क्लास में 15-20 student हो, कितने भी हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? Similarly, we have, उसके बाद हमारे पास है, there is always a noun next to the distributive adjective. अब इसके मुताबिक क्या है? इसके मुताबिक क्या है कि अगर जिसके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेट्स से अगर ईच है, ईच के साथ नाउन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ईच के साथ नाउन है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? लेट्स से ईच कार हैज लेदर सीट्स, ईच कार हैज लेदर सीट्स, हर गाड़ी में लेदर सीट है, ईच, यस सर, ठीक है, ईच कार हैज लेदर सीट्स। तो अगर यहाँ पे मेरा नाउन लग गया कार, तो इस वजह से यहाँ पे नाउन आ गया तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाइल इफ यू हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, हमारे पास क्या है, ईच ऑफ देम हैव लेदर सीट्स। अब ऑफ देम मैंने किसकी बजाय लगा दिया,
इसने किसको रिप्लेस किया, नाउन को रिप्लेस किया, तो ये प्रोनाउन है. सो प्रोनाउन हमारा ईच ऑफ देम, ईच जो है अब यहां पर हमारा प्रोनाउन है, दैट्स व्हाई हमारा ईच प्रोनाउन है. दिस इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ओके क्लियर? यस सर. जैसे वन बॉय इज सिक, एक लड़का बीमार है, वन ऑफ अस इज सिक, हम में से एक बीमार है, तो यहां पर ये वाला वन कौन सा है? प्रोनाउन है.